सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। मैं सर अर्णव, और यार आज हम बात करने वाले हैं टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की जो पूरे इंडिया में सिचुएटेड है। अगर तुम्हें IIT या कोई NIT नहीं मिल रहा अपनी जेईई रैंक के ऊपर, तो मैं तुम्हें ऐसे सारे कॉलेजेस की लिस्ट बताऊंगा जो तुम कंसीडर कर सकते हो अगर तुम्हारी जेईई में रैंक थोड़ी कम है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो पहला कॉलेज हमारी लिस्ट में है बिट्स पिलानी। ऑब्वियसली यार टॉप कॉलेज है तुम्हारा प्राइवेट में। अगर मैं बात करूँ तो 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था। पिलानी राजस्थान में लोकेट करता है और काफी बड़ा कैंपस है 328 एकड़ का। और कोर्स यहाँ पे बीटेक प्लस एमबीए दोनों तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। एनआईआर रैंकिंग की बात करो तो 32 रैंकिंग तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाती है। प्लेसमेंट्स की बात करो तो 1.3 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज एंड 29 लाख का एवरेज पैकेज है। फीस स्ट्रक्चर यहाँ की बहुत ज्यादा है, 25 लाख का यहाँ बेस फीस है। प्लस एमबीए की अगर मैं बात करूँ तो 24.5 लाख देखते हैं, यहाँ तुम्हें कट ऑफ देख ली होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज। सेकंड कॉलेज है हमारा लिस्ट में RDC बैंगलोर। अगर मैं बात करूँ तो 1963 में एस्टैब्लिश हुआ था। बैंगलोर में तुम्हारे सिचुएटेड है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। एडमिशन टाइम है तुम्हारा जेईई मेन और कॉमेट है। और अगर मैं बात करूँ एकर्स का तो 17 एकड़ तुम्हारा एक कॉलेज फैला हुआ है। कोर्स यहाँ पे बीटेक और एमटेक तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। बात करें एनआईआर रैंकिंग की तो वो भी काफी अच्छी है 89, और प्लेसमेंट की तो 38 लाख का हाईएस्ट पैकेज है और 15.3 का एवरेज पैकेज यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर यहाँ की 15 लाख है जो काफी अच्छी है एक प्राइवेट कॉलेज के लिए, और एमटेक की 74,000 है। कट ऑफ तुम्हें यहाँ पे दिख रही होगी, तुम देख सकते हो। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। सो अगला कॉलेज हमारे लिस्ट में आता है PIIT वेल्लोर। जो तुम्हारा वेल्लोर सिचुएटेड है और 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था। अगर बात करूँ कैंपस है तो काफी बड़ा कैंपस तुम्हें देखने को मिल जाता है 372 एकर्स का। और यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन है PIIT ट्रिपल ई, तो ये भी काफी जेईई मेन के थ्रू लेते हैं और 12th के मार्क्स थोड़ा बहुत कंसिडर करते हैं। अगर मैं बात करूँ कोर्स की तो बीटेक एंड बीबीए तुम्हें दोनों देखने को मिल जाएगी। NIR रैंकिंग काफी अच्छी है यहाँ पे, 12 NIR रैंकिंग है यहाँ की, ठीक है, जो NSU/TTC से भी बेटर है। और अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट पैकेज तो वो है तुम्हारा 1.2 करोड़, और एवरेज पैकेज तुम्हारा जाता है 7 to 8 lakhs। यहाँ पे CC की काफी सारी ब्रांचेज है, ठीक है, तो उनके अलग अलग कट ऑफ हुई है, तुम्हें यहाँ दिख जाएगी। पहले बात करते हैं फीस की, तो फीस यहाँ पे 7.81 lakh है फॉर बीटेक, बट हॉस्टल की फीस काफी ज्यादा हाई हो जाती है, इसलिए तुम्हारी बीटेक थोड़ी यहाँ महंगी पड़ती है। अगर बात करें कट ऑफ की तो तुम्हें दिख रही होगी यहाँ पे काफी सारी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, तो उस हिसाब से तुम्हें सारी कट ऑफ यहाँ पे दिख रही होगी। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। तो अगला कॉलेज हमारे लिस्ट में मणिपाल यूनिवर्सिटी। तुम्हारा ये 2011 में सिचुएटेड था और तुम्हारी लोकेशन मणिपाल है। ऑब्वियसली और एडमिशन है तुम्हारा जेईई मेन और एमईटी के थ्रू। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो 121 एकर्स का बड़ा कॉलेज तुम्हें देखने को मिल जाता है, और कोर्स हिसाब से बीटेक एंड एमबीए देखने को मिल जाएगा। एनआईआर रैंकिंग की बात करूँ तो 55 एनआईआर रैंकिंग तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्लेसमेंट की बात करूँ तो हाईएस्ट पैकेज तुम्हारा 1.4 करोड़ से कहा गया था, और एवरेज पैकेज 8 to 9 lakh तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाता है। काफी अच्छा कॉलेज है। बीटेक की अगर मैं फीस बताऊँ तो 13.7 lakh तुम्हें यहाँ फीस देखने को मिलेगी, जो थोड़ी हायर रैंक पर चली जाती है ऐसे कॉलेज के लिए, और एमबीए तुम्हें 1.5 lakh देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी कट ऑफ की, तो यहाँ तुम्हें देखने को मिल जाएगा राउंड 6 की कट ऑफ है। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। सर, अगर तुम्हें कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो तुम कॉलेज एडमिशन डॉट कॉम पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनका नंबर, और यहाँ पे सारी डिटेल्स तुम्हें दिख रही होगी। अगर तुम डायरेक्ट एडमिशन लेना कुछ भी और कोई भी प्रॉब्लम है, तुम जाकर हेल्प दे सकते हो। काउंसलिंग में तुम्हारी पूरी पूरी हेल्प करेंगे, तो मेक श्योर यू हेल्प लो। और कोई डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन है, कोई भी मोड ऑफ एडमिशन तुम जाकर हेल्प लो पूरी पूरी। बढ़ते वीडियो में। अगला कॉलेज हमारे लिस्ट में आता है LMNIT जयपुर। तो ये तुम्हारा एस्टैब्लिश हुआ था 2002 में, ठीक है। अगर मैं बात करूं लोकेशन इसकी जयपुर है, जेईई मेन के थ्रू तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। 100 एकड़ का अच्छा खासा कैंपस है। अगर मैं बात करूं कोर्स की, तो बीटेक और एमटेक का देखने को मिल जाएंगे। एनआईआर रैंकिंग इसकी थोड़ी सी बेकार है, 300 एनआईआर रैंकिंग इसकी जाती है। प्लेसमेंट की बात करूँ तो 64 लाख का हाईएस्ट पैकेज तुम्हें देखने को मिल जाएगा। एवरेज पैकेज 10 to 11 lakh के बीच में देखने को मिल जाएगा, और फीस स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिल जाएगी 20 लाख की बीटेक देखने को मिल जाएगी, थोड़ी हायर रेंज में चली जाती है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखने को मिल जाएगी। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। तो अगला कॉलेज है हमारा PES यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है 2013। तुम्हारी कर्नाटक बेंगलुरु में सिचुएटेड है यूनिवर्सिटी, और यहाँ का एडमिशन टाइप है PESSAT, इनका पेपर होता है अपना, तुम वहाँ देखे इसमें एडमिशन ले सकते हो। बात करें एरिया की तो 25 एकड़ जितना बड़ा कॉलेज है। बात करूँ अगर मैं कोर्स की तो बीटेक और एडमिशन यहाँ देखने को मिल जाएगी। अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो वो 100 देखने को मिल जाएगी, जो काफी अच्छी है इस कॉलेज के लिए। और अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 40 लाख और एवरेज पैकेज 10 से 11 लाख देखने को मिल जाएगा। 16.4 लाख और एमए तो देखने को मिल जाएगी 10 लाख के अंदर। ये तुम्हारी कट ऑफ इस कॉलेज की। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलेज पे।
अगला कॉलेज हमारी लिस्ट में PICT पुणे, तो ये तुम्हारा एस्टैब्लिश्ड हुआ था 2013 में। और अगर मैं बात करूँ लोकेशन, तो ये पुणे है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देखने को मिल जाती है। एडमिशन तुम्हारा इसमें थ्रू होता है जेई मेन और MHCET, जो तुम्हारा महाराष्ट्र का एक एंट्रेंस एग्जाम है। बात करूँ तो छोटा कॉलेज है 5 एकड़ का, बट अच्छे से सारा बना रखा। BTEC और MTEC तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाती है। NIF रैंकिंग थोड़ी बुढ़ी है, 201 NIF रैंकिंग तुम्हें यहाँ देखने को मिलती है इस कॉलेज की। हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ है, मोस्ट प्रॉब्ली ऑफ कैंपस ही होगा। और एवरेज पैकेज 7 to 8 लाख तुम्हें यहाँ कॉलेज में देखने को मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी रीजनेबल फीस तुम्हें देखने को मिल जाती है, सिर्फ 4 लाख है BTEC की। और MTEC की बात करूँ तो 2.3 लाख। अगर मैं इस कॉलेज की कट ऑफ की बात करूँ तो तुम्हें यहाँ दिख रही होगी। बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट कॉलेज, कॉलेज हमारी लिस्ट में है NSRIT बैंगलोर। अगर मैं बात करूँ ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, 1962 में तुम्हारा कॉलेज इस्टैब्लिश हुआ था। बैंगलोर में तुम्हारा सिचुएटेड है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और कॉमटेक से तुम्हारा इसमें एडमिशन होता है, जो एक एंट्रेंस एग्जाम है कर्नाटका की साइड का। अगर मैं बात करूँ एरिया का, तो 85 एकर में ये कॉलेज वेट करता है। और अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो BTEC और MBA दोनों तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाती है। NIF रैंकिंग की बात करूँ तो 64 NIF रैंकिंग इंजीनियरिंग में इस कॉलेज की काफ़ी अच्छी है। और बात करूँ प्लेसमेंट की तो 50 लाख का हाईएस्ट पैकेज और 9 से 11 लाख का तुम्हें एवरेज पैकेज यहाँ देखने को मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर 15 लाख है BTEC की, और MBA की 1.72 लाख है MBA की फीस। अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो वो तुम यहाँ पर देख सकते हो, तुम्हें सारी कट ऑफ दिख रही होगी। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलेज, अगला कॉलेज है हमारा मेड दिल्ली। 1999 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। अगर मैं बात करूँ तो न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश है, और जेई मेन और GGSIPU के थ्रू तुम्हारी काउंसलिंग होती है इस कॉलेज के अंदर। 40 एकड़ का कैंपस है, और अगर कैंपस टूर देखना तो तुम यहाँ जाके देख सकते हो इस वीडियो के ऊपर। BTEC के थ्रू तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे BTEC MBA BBA LLB ये सारे कोर्सेज तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। बात करूँ NIF रैंकिंग की, तो 200 से लेकर 250 के बीच में अकर करती है ये। बात करूँ प्लेसमेंट की, तो तुम यहाँ सारी प्लेसमेंट्स देख सकते हो। बट अगर मैं थोड़ी एवरेज बता दूँ, तो एवरेज तुम्हें 9 लाख देखने को मिलेगी, और हाईएस्ट 57 लाख। फीस स्ट्रक्चर इनका काफ़ी रीजनेबल है, इसलिए बेस्ट कॉलेज लगता है मेरे को इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तुम्हारी 5 से 6 लाख के बीच में पूरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। कट ऑफ की बात करूँ, अगर तुम दिल्ली से बाहर के बच्चे, तो ये तुम्हारे लिए कट ऑफ है, तुम जाके देख सकते हो। अगला कॉलेज हमारी लिस्ट में आता है अमृता विश्वा। अगर मैं बात करूँ तो 1994 में ये इस्टैब्लिश हुआ था तुम्हारा कोयम्बटोर में। तुम्हारा ये इस्टैब्लिश्ड है कॉलेज, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। एडमिशन AEEE के थ्रू होता है इधर। 130 एकड़ का कैंपस है। BTEC और MBA तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएगी। NIF रैंकिंग के मामले में काफ़ी अच्छा कॉलेज है, 16 NIF रैंकिंग है। हाईएस्ट पैकेज में 20 लाख का देखने को मिलेगा, और एवरेज 7 से 8 लाख। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो 18 लाख है, और MBA का 10.5 लाख, और कट ऑफ तुम यहाँ देख सकते हो। अगला कॉलेज हमारी लिस्ट में सिम्बायोसिस पुणे। अगर मैं बात करूँ तो 2002 में तुम्हारा ये एस्टैब्लिश हुआ था, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। एडमिशन टाइप इसका SET और JEE मेन है। अगर मैं बात करूँ एरिया, तो 300 एकड़ का तुम्हें एरिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे BTEC प्लस MBA दोनों कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। 61 NIRF रैंकिंग तुम्हें देखने को मिल जाएगी। 30 लाख का हाईएस्ट पैकेज, और 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा। 10.4 लाख की जो है तुम्हारी BTEC की फीस है, और 19 लाख की तुम्हारी MBA यहाँ पे होगी। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलेज की तरफ, जो है हमारा थापड़ यूनिवर्सिटी। अगर मैं थापड़ यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो वो 1956 में सिचुएटेड हुआ था, पटियाला पंजाब में तुम्हारा यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट है, मेरिट और जेई मेन के थ्रू यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाएगा। मेरिट मतलब 250 एकड़ का कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, और एवरेज पैकेज यहाँ पे 7 से 8 लाख का आता है, और आई एस 40 लाख। 21 इंजीनियरिंग में है, BTEC का 15 लाख है, और MBA का 10 लाख। फीस अगर मैं फीस की बात करूँ तो BTEC की तुम्हें 15 लाख देखने को मिल जाएगी, और MBA की तुम्हें 10 लाख देखने को मिल जाएगी। कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ तुम्हें कट ऑफ दिख जाएगी, जाके देख सकते हो। बढ़ते अपने अगले कॉलेज की तरफ, अगला कॉलेज हमारी लिस्ट में UPSC देहरादून। अगर मैं बात करूँ 2003 में स्टैब्लिश हुआ था, हमारा पंजाब में सिचुएटेड है। अगर मैं बात करूँ उसकी बोर्ड ऑफ एडमिशन की, तो UPSC करके नाम का एक एग्जामिनेशन होता है, जिससे एडमिशन मिलते हैं, और जेई मेन पूरी हो जाता है। 44 एकड़ का तुम्हें कैंपस देखने को मिल जाएगा। BTEC प्लस MTEC में यहाँ देखने को मिलता है। NIF रैंकिंग की बात करूँ तो 65 NIF रैंकिंग है। यहाँ पर प्लेसमेंट की बात करूँ, 36 लाख का एज पैकेज है, एंड 6 to 7 लाख का तुम्हें एवरेज पैकेज मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो BTEC की 18 लाख है, और MTEC की है तुम्हारी 6 से लेकर 4 लाख के बीच के। अगर मैं बात करूँ अगले कॉलेज की, तो इसकी तो अगले कॉलेज की तो वो है JIT नोएडा। तुम्हारा स्टैब्लिश होता 2004 में, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी पंजाब में लोकेट करती है। एडमिशन तुम्हारा जेई मेन के थ्रू होता है। कैंपस की मैं बात करूँ तो 39 एकड़ का तुम्हारा कैंपस देखने को मिल जाएगा। BTEC और MTEC दोनों तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएगी। बात करूँ NIRF रैंकिंग की, तो वो है 18, और प्लेसमेंट की बात करूँ तो 1.15 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज ऑफ 9 लाख तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएगा। BTEC पड़ती है 12 लाख की, और MTEC पड़ती है 2.7। यहाँ तुम्हें दिखती होगी JIT की कट ऑफ। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलेज, पहले वाले
सो यार यही थे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हमारे पूरे इंडिया के. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और फटाफट सब्सक्राइब कर दो सारे अपने दोस्तों को भी, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब कुछ कर दो. ठीक है, मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ओके बाय. अगला कॉलेज हमारी लिस्ट में UPSC दे रहा था, देख सकते हो. बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलेज की तरफ. और MBA का 10.5 याद तुम्हें दिख रही होगी, GIT कट ऑफ याद तुम्हें दिख रही होगी.